राजधानी दिल्ली में चोरी का एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। उत्तम नगर के पास मोहन गार्डन इलाके में 31 वर्षीय एक महिला ने बुर्का पहनकर अपनी मां के घर से लाखों की चोरी कर डाली। कोई उसे पहचान न पाई, इसीलिए महिला ने बुर्का पहनकर इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने अपनी मां के घर से गहने और नकदी चुराने की आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि ये कदम उसने वित्तीय संकट और अपनी मां से प्यार की कमी के चलते उठाया। पुलिस को 30 जनवरी को उत्तम नगर के घर में चोरी की शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता कमलेश ने पुलिस को बताया कि बुर्का पहनी एक महिला दोपहर 2 बजे उसके घर में घुसी और सोने चांदी के गहनों के अलावा 25,000 रुपए कैश चुरा कर 2:30 बजे चली गई। पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने खुलासा किया कि उसने इस चोरी की योजना इसीलिए बनाई क्योंकि उसकी मां उसकी छोटी बहन से ज्यादा प्यार करती थी। उसने कहा कि ईर्ष्या और नफरत की भावनाएं उन पर हावी हो गई और उन पर कुछ कर्ज भी था। श्वेता ने पुलिस को बताया कि उसने अपना कर्ज चुकाने के लिए ये योजना बनाई थी। उसने बताया कि उसने जो गहने चुराए उनमें से कुछ उसके थे जो उसने अपनी माँ के पास रखे हुए थे, जबकि बाकी के गहने उसकी माँ ने उसकी बहन की शादी के लिए बनवाए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।